तो गाइस, तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो गाइस, आज हम सीखेंगे कि जन आधार में दस्तावेज को कैसे अपलोड किया जाता है। तो गाइस, सबसे पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दें। तो गाइस, सबसे पहले आपको अपना ई मित्र ओपन कर लेना है। तो गाइस, हम अपना ई मित्र ओपन कर लेते हैं। तो गाइस, मैंने अपना ई मित्र ओपन कर लिया है। तो गाइस, उसके बाद आपको यूटिलिटी पे क्लिक करना है और यहाँ आपको सर्च करना है जन आधार। तो हम यहाँ पर सर्च करते हैं जन आधार। जैसे आप जन आधार सर्च करोगे तो ये आपको ऑप्शन दिखाई देगा जन आधार एनवायरनमेंट का। सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना है और ओके पर बटन दबा देना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का डैशबोर्ड शो होगा। उसके बाद आपको एनवायरनमेंट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा अपलोड डॉक्यूमेंट का। आपको सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर आधार संख्या मांगेगा। तो आधार संख्या उसी के डालना है जिसका आपको दस्तावेज अपलोड करना है। तो जो सदस्य जन आधार में जुड़ा हुआ है उसी के दस्तावेज, उसी के आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ डालने हैं, किसी भी एक के। या तो आप मुखिया के डाल सकते हैं या तो आप किसी भी सदस्य जो भी जन आधार में जुड़ा हुआ है उस सदस्य के आधार कार्ड आप नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, जो भी हमारा आधार कार्ड में जो भी नंबर है, जो भी जन आधार में नंबर है, हम यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डालेंगे गाइस। आधार कार्ड नंबर डाल लेना है और खोजे पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप खोजे पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का डैशबोर्ड शो होगा। उसके बाद आप जिस भी मेंबर का डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं उस पर आपको क्लिक करना है। और ध्यान रखिए, दस्तावेज अपलोड करते वक्त आप सभी का दस्तावेज अपलोड करना है आपको, तभी ये पूरी तरह से सेव होगा। तो आपको सभी मेंबर के दस्तावेज हमेशा अपलोड करने हैं। जिस सदस्य भी का आपको अपलोड करना है उस पर आपको सिंपली शो लिस्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर जिस भी दस्तावेज को अपलोड करना है सिंपली आपको चूज़ फाइल पर क्लिक करना है। जैसे आप चूज़ फाइल पर क्लिक करोगे उस मेंबर को सिलेक्ट करना है जिसका भी आधार कार्ड, तो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे सिलेक्ट करेगा उसके बाद आप दस्तावेज अपलोड करने पर क्लिक करते हैं। जैसे हम दस्तावेज अपलोड पर क्लिक करते हैं, ये हमारा दस्तावेज हमें अपलोड हो चुका है। तो गाइस, कितना आसान है दस्तावेज को अपलोड करना। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।